अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि आंध्र प्रदेश के राजामंड्री में लालापेट बोल के एक एरिया है, वहां पे नूरानी मस्जिद के मौजन साहब को कल रात यानी के 28 तारीख के रात को कुछ दरिंदों ने मस्जिद के अंदर जाके उनका कत्ल कर डाले, और कत्ल करने के बाद वहां पे जो कुरान पाक जो भी हदीसा जो कुछ भी है वो सबको जला के वहां से चले गए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ इस तरह के हरकतें क्यों हो रहे हैं? क्या मुसलमान सो गया है? मुसलमान को अपने ईमान को बचाने की कोई जरूरत नहीं है? हर एक अपने अपने लीडरों के साथ अपने अपने पार्टियों में मसरूफ है। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं चला ऐसा हादसा। आज देखो, मस्जिद के अंदर घुस के एक इमाम को कत्लेआम करते हैं और कुरान हदीसों को जला के चले जाते हैं, और हम मुसलमान अपने हाथों के ऊपर हाथ डाल के खामोश बैठते हैं। दोस्तों, अपने अपने पार्टियों में अपने लीडरों के लिए मर मिटने वाले मुसलमान भाइयों, आंख खोलो, ये क्या हो रहा है देखिए। मस्जिद के अंदर इमाम का कत्लेआम आज तक हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं चला। मैं आंध्र प्रदेश के हुकूमत के सियासतदानों से गुजारिश करता हूं और चंद्रबाबू नायडू साहब से अपील करता हूं। चंद्रबाबू नायडू साहब, आप बीजेपी से मुलाकात होने के बाद आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर इस तरीके के हादसे ज्यादा हो गए हैं। आज तक हिंदुस्तान में और आंध्र प्रदेश में कम्युनल हारमोनी का एक मिसाल थे आप। आज राजामंड्री में जो हादसा चला सारे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं चला। और जगनमोहन रेड्डी साहब को भी मैं गुजारिश करता हूं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, क्या मुसलमान इंसान नहीं है? मुसलमान के अंदर इंसानियत नहीं है? क्या आप लोग ये कत्लेआम को सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं तमाम सेकुलर लोगों से गुजारिश करता हूँ, ऐ सेकुलर वादियों, मुसलमान भाइयों जो अपने आप को इंसान समझते हैं, जो इंसानियत के नाम पे चलने वाले हैं, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो हादसा राजामंड्री में लालापेट के नूरानी मस्जिद में चला, इस तरीके का हादसा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं चलना। आज के दिन ये मजहब के सियासतदानों ने चर्चों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर और टेम्पलों के ऊपर हादसे चल रहे हैं और मारने के तोड़ने के काम चल रहे हैं, लेकिन ये कदम आगे बढ़ के मस्जिद के अंदर आके कत्लेआम करना, ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों को और सेकुलर भाइयों को गुजारिश करता हूँ, आप लोग अल्लाह से डरो, अपने भगवान से डरो, ऐसे हादसों को रोको। भाइयों, जो हादसा चला, जो मौजल इंतकाल हो गए, जो शहीद हो गए हैं, उनको 25 लाख रुपए गवर्नमेंट उसको फंड देना है, और जो भी ये हादसे के लिए जिम्मेदार है उन लोगों को बीच सड़क के ऊपर ठहरा के फांसी देना है। दोस्तों, मैं तमाम लोगों से और खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू साहब, आप हमना को मिनिस्ट्री नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप हमना एमएलए की सीट नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मस्जिदों के अंदर हमारे मौजनों का, इमामों का कत्लेआम चल रहा है, इसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप होंगे। अब आंध्र प्रदेश के अंदर मुसलमान एम्प्लॉज के ऊपर और मुसलमान जो भी सियासतदान है, जो भी इमामा है, मौजना है, इन लोगों के ऊपर इस तरीके के हादसे चलने के लिए हादसे का जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, आपके लिए शर्म की बात है। और तमाम मुसलमान लीडरों से गुजारिश करता हूँ, जो माइनॉरिटी सेलों में अपने अपने पार्टियों में अपने आप को बड़े लीडर समझ रहे हैं, आप लोग अल्लाह से डरो। अल्लाह अश्हद अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो कलमा पढ़ा है, जो कुरान एक है, अल्लाह एक है, हमारे नबी एक है, हमारा कलमा एक है, तो दोस्तों हमारे दीनी भाइयों को और हिंदुस्तान के अंदर कम्युनल हारमोनी को बचाने के लिए हर मुसलमान अपने अपने पार्टियों को छोड़ के आगे आना पड़ेगा। अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे तो आने वाली नस्ल हमारे मुंह पे थूकेगी और हमारे ऊपर खुदा और फरिश्ते लानत भेजेंगे। दोस्तों, मेहरबानी करो, अपने आप पे मेहरबानी करो, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलो। जो हादसे चल रहे हैं, जो कत्लेआम चल रहे हैं, आज तक आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं चला। अगर इसको हम सब मिलकर नहीं रोकेंगे तो आने वाले दिनों में
हमारे और हमारे बच्चों के, हमारे औरतों की इज्जतों को भी बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। जब अल्लाह के घर के अंदर यह हादसा चल सकता है तो आम रोड के ऊपर यह हादसा क्यों नहीं चल सकता? तो दोस्तों, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के मैं दुआ करता हूँ, तमाम लोग एक कलमे की निस्बत से एक हो जाओ, अपने आप को जमातों के लिए, सियासतों के लिए मत पाड़ो। हमारा कलमा एक है, हमारे नबी एक है, हमारा अल्लाह एक है। अल्लाह के लिए मुसलमानों सब एक हो जाओ और यह हादसे को, जो हादसे चल रहे हैं, इसे रोकने के लिए हमारे सेकुलर भाइयों को लेके आगे चलेंगे। मस्जिद में चला, कल मंदिर में चलेगा, परसों चर्च में चलेगा। तो तमाम सेकुलर भाइयों के साथ तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर इसको रोकने के लिए आगे चलना चाहिए। और मैं चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम पार्टियों से, मजलिस पार्टी से गुजारिश करता हूँ, इस हादसों को रोकने के लिए तमाम लोग अपने सियासतों को बाजू रख के आओ, आगे आके इसको रोकना चाहिए। जो हिंदुस्तान की कम्युनल हारमोनी है उसको फोड़ना चाहने वाले ये जो इंसानियत के दुश्मन है, ये लोग को सरेआम फांसी की सजा देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।